हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी बीडीशर नारनौल हरियाणा। फिर हाजिर आज आप सभी के समक्ष एक बड़ी भर्ती फायरमैन की रिक्वायरमेंट लेकर के, तो सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। किस डिपार्टमेंट के अंदर है, क्या कुछ एज क्राइटेरिया होने वाला है, टोटल कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट उसके अंदर निकली हुई। तो आप भी सबसे पहले तो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक प्यारा सा सब्सक्राइब और प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, ताकि जो भी भर्ती का नोटिफिकेशन है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिले। स्टार्ट करते बिना टाइम वक्त गवाए हुए, किस डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट निकली हुई है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहां पर ऊपर की तरफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, राउरकेला स्टील प्लांट के अंदर ये रिक्रूटमेंट है उड़ीसा में। अब कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर आई हुई है वो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बाकायदा आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख पा रहे होंगे, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये जो नोटिस डिक्लेयर किया गया है 29 अगस्त 2022 को, वो बाकायदा वहां पे डेट लिखी गई है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी फाइल की पोस्ट है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी शानदार पोस्ट इसके अंदर होने वाली है, गजब पोस्ट होने वाली है, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं सभी के बारे में। आप फर्स्ट में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट इसमें होने वाली है, माइनिंग फोरमैन की पोस्ट होने वाली है, माइनिंग मैट की होने वाली है और फायर ऑपरेटर की होने वाली है। फायर ऑपरेटर की है फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, ये दो पोस्ट होने वाली है अपने काम की, ठीक है ना। उसके बाद में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इसकी भी यहां पर पोस्ट होने वाली है और भी बाकायदा नीचे की साइड में और बहुत सारी पोस्ट। तो सभी को बारे में ना जान करके केवल हमें दो पोस्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आ जाती हैं फायर ऑपरेटर, ठीक है। फायर ऑपरेटर की पोस्ट आ जाती है यहां पे, आप देख पा रहे हैं ये फायर ऑपरेटर की टोटल कितनी पोस्ट होने वाली, कैटेगरी के हिसाब से बात करें क्योंकि कैटेगरी थोड़ा सा ऊपर है, ये आप देख पा रहे हैं। ये कैटेगरी के हिसाब से अगर इसमें बात कर लें फायर ऑपरेटर की होगी टोटल वैकेंसी कितनी, 25 वैकेंसी होगी, बड़ी गजब की है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं 25 पोस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। अगर आप में अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर दम है तो कॉम्पिटिशन लड़े, अन्यथा साइड। सिर्फ एक ही बात है मेरे पास में, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, 25 पोस्ट की हमें जरूरत नहीं है। टोटल पोस्ट इसके अंदर होने वाली है 25 पोस्ट। उसके बाद में अगर बात करें एससी कैटेगरी के बारे में, एससी कैटेगरी के अंदर टोटल कितनी पोस्ट होंगी, सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस फायर ऑपरेटर में 3 पोस्ट एससी कैटेगरी के अंदर रिजर्व रखी गई। उसके बाद आ जाता है अपने पास में एसटी, और एसटी के अंदर फायर ऑपरेटर की होंगी टोटल कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट इसके अंदर होने वाले। ओबीसी की अगर हम जाने कि ओबीसी में टोटल कितनी पोस्ट है, तो ओबीसी के अंदर टोटल 3 पोस्ट इसके अंदर होने वाली है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल कितनी पोस्ट है, तो 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। और अब जो बची खुची कोई भी कैटेगरी जिसके अंदर सीट नहीं है वो सारे किसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो अपने जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल कितनी है, 12 पोस्ट होने वाली है, बड़ी शानदार पोस्ट है। 25 पोस्ट फायर ऑपरेटर की स्टील अथॉरिटी ऑफ ओडिशा के अंदर ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। दोबारा से रिपीट कर देते एक बार इनको थोड़ा सा, टोटल पोस्ट होने वाली है 25, एससी के अंदर 3 पोस्ट है, एसटी में 5 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 है और जनरल के अंदर टोटल 12 पोस्ट होने वाले। इसके बाद आ जाता है अपने पास है फायर कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग,
इसके अंदर कितनी पोस्ट होने वाली है, टोटल पोस्ट होंगी इसके अंदर 36 पोस्ट। कितनी? 36 पोस्ट इसके अंदर होने वाली है। यह भी बड़ी गजब की पोस्ट है, इसमें भी कम नहीं है। सबसे पहले एससी कैटेगरी के अंदर आ जाती है टोटल 5 पोस्ट, एसटी कैटेगरी के अंदर टोटल 7 पोस्ट, ओबीसी के अंदर टोटल आ जाती है 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल पोस्ट होती है 3, और बचाओ जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर टोटल कितनी पोस्ट है, 17 पोस्ट जनरल कैटेगरी के अंदर रिजर्व रखी हुई। ठीक है, टोटल पोस्ट 36, एससी के अंदर कितनी पोस्ट है, एससी के अंदर टोटल पोस्ट है 5, एसटी के अंदर 7, ओबीसी के अंदर 4, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3, और जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल कितनी पोस्ट है, 17 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। ठीक है, ये जो है वो अपने स्टील अथॉरिटी ऑफ उड़ीसा के अंदर है। अब इनके क्वालिफिकेशन की तरफ बात कर लेते हैं, क्या कुछ क्वालिफिकेशन इनका होने वाला है। क्वालिफिकेशन बाकायदा आप देख पा रहे होंगे, इसमें सब कुछ एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन जो है वो दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना फायर ऑपरेटर नीचे की साइड में है, ये फायर ऑपरेटर है, यहां पे ये है फायर ऑपरेटर। सबसे पहले तो आ जाते हैं एज क्राइटेरिया क्या कुछ होगा। कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक कितनी 28 साल, 18 से 28 साल तक के जो अभ्यर्थी है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके साथ में ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का क्या दिया गया है, एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये चीज भी हमें क्या कर लेना है, देख लेना। ठीक है, यहां तक तो कहने का मतलब है ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है वो 31 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या कुछ होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग की फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसके लिए, तो बाकायदा देख पा रहे हो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद में सब फायर ऑफिसर का कोर्स होना चाहिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर और ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर। तो ये क्वालिफिकेशन रखी गई है जिसके अंदर फायर ऑपरेटर, और इसी के साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल, तो ये लाइसेंस भी आपके पास में हैवी लाइसेंस जो है वो होना कंपल्सरी है। तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक इसके कंप्लीट जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके सिलेबस के बारे में भी बात कर लेंगे, क्या कुछ इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न होने वाला है। वो सेकंड पोस्ट जो अपने पास में है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और सेकंड पोस्ट होने वाली है फायर कम फायर इंजन ड्राइवर, ये दूसरी पोस्ट है। ये इसमें भी वही एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, 18 से 28 साल और 3 साल जो है ओबीसी कैटेगरी, 5 साल जो है वो एससी एससी एंड एसटी कैटेगरी को इसके अंदर क्या दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया। ठीक है ना, तो इस चीज को देख लेना, अगर किसी की उम्र थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, मैट्रिकुलेशन विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर रिलेवेंट हैवी मोटर व्हीकल्स, आपके पास में 10वीं पास होना चाहिए और उसके बाद में क्या होना चाहिए, आपके पास में हैवी जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और 1 साल का आपके पास में इस पोस्ट से रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए और इन ड्राइविंग और ड्राइविंग ऑफ रिलेवेंट हैवी मोटर व्हीकल्स, और ये जो अपने गाड़ी को चलाने का जो है उसका एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए, उनके जानकारी होनी चाहिए, और लाइसेंस जो है वो होना कंपलसरी। तो वही कैंडिडेट वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो दोनों ही पोस्ट के बारे में बात कर ली, फायर ऑपरेटर की और फायर कम इंजन ड्राइवर। अब बात कर लेते इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में,
सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरीके से इसके अंदर जो सिलेक्शन है वो होगा। इलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन हिंदी इंग्लिश ऑन द अपॉइंटेड डेट। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 2 सेमेस्टर सेगमेंट एज गिवन बिलो। ठीक है, तो इसके अंदर जो सीबीटी टेस्ट होगा आपके पास में कॉमन जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो 2 घंटे का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आपसे पूछे जाएंगे और उसी क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना होगा। अब सिलेबस और पोस्ट की तरफ बात कर रहे थे। सबसे पहले पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इसी के साथ में फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर। ठीक, इन पोस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 20 क्या है 20 जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट से रिलेटिव पूछे जाएंगे। किससे रिलेटिव? 20 जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे किससे? फायर एंड सेफ्टी से रिलेटिव 20 क्वेश्चन फायर से रिलेटिव पूछे जाएंगे और 80 जो क्वेश्चन है वो किससे? जनरल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। क्लियर है सारी चीजें? कौन सी पोस्ट है? फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के। और अदर जो पोस्ट जो बची हुई है, अदर जो पोस्ट बची हुई है उसमें 50 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड और 50 क्वेश्चन अपने पास में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये था अपना जो एग्जाम पैटर्न दिया गया है इसके अंदर है वो। उसके बाद बात करते हैं और कोई चीज अगर छुट्टी हुई हो तो। इसके बाद में जो आपके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें क्या कुछ दिया गया है बाकायदा आप देख पाए रहे होंगे। यहां पे 65 केजी जो वजन है उसको 100 मीटर तक लेकर के जाना होगा और स्विमिंग 100 मीटर 10 मिनट के अंदर, तैरना भी दिया गया इसके अंदर है। 100 मीटर की जो दूरी है वो 10 मिनट में तैरनी होगी। ड्राइविंग टेस्ट ऑफ फायर टेंडर और फायर की गाड़ी के ऊपर आपका जो टेस्ट है वो ड्राइविंग होगा। ऑप्शनल की बात कर लें 3 मीटर जो है रोप क्लाइंबिंग होगा, 135 सेंटीमीटर आपका हाई जंप होगा, 3 मीटर आपका लॉन्ग जंप होगा। दोनों के अंदर क्या है 3-3 चांस जो है वो दिए गए। ठीक है, उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड आता है अपने पास में और कौन कौन सी चीजें हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर हाइट चेस्ट वेट वगैरह की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अपना फॉर एजुकेटिव जो पोस्ट है उनके लिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया, नॉन एजुकेटेड के लिए ये जो है वो दिया गया है। ठीक है, जैसे नॉन एजुकेटिव के अंदर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, तो इन पोस्ट के लिए ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो दिया गया है बाकायदा। अगर बात कर ले फायर के बारे में तो फायर का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो ये होने वाला है, ये होने वाला है किसका? फायर का। आप देख पा रहे होंगे बाकायदा यहां पे ये लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर, फायर कम इंजन ड्राइवर एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो ये, हाइट होगी कम से कम 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट की अगर बात कर लें 50 केजी कम से कम वेट होना चाहिए। अगर चेस्ट की बात कर लें तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और कुराव के साथ में 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अपनी जो आंखें हैं वो 6x6 हो, किसी भी प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस, कलर विंजन वगैरह वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए और आपके सुनने की जो क्षमता है बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। और इसी के साथ में बाकायदा द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द अबव द पोस्ट शैल बी कंडक्टेड इन 7 सिटीज एज गिवन बिलो, 7 शहरों के अंदर ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो बाकायदा ये सारी की सारी जो सिटी आप देख पा रहे होंगे ये 7 सिटी दी गई है और इन्हीं के अंदर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, 7 सिटी के अंदर आपका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक,
तो ये कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन जानकारी जो है आप सभी को दे दी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को अप्लाई करें, इसी प्रकार का भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक लेकर आते रहेंगे। और किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल, बुक्स, नोट्स, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि इन एग्जाम्स की जो तैयारी है उनका करने के लिए थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर है इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बुक वगैरह जो भी ऑर्डर करनी हो स्टडी मटेरियल, तो सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, चाहे थ्योरी के क्लास हो, चाहे जो वन लाइनर क्लास बुक हो, वो सारी की सारी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।